अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है यूट्यूब चैनल। दोस्तों हाज़िर हूँ अपनी आज की एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल का डाटा उसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं, कैसे उसकी हिफाजत कर सकते हैं। नॉर्मली आमतौर पर ये होता है कि आपका जो इंफॉर्मेशन है, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो लीक हो जाती है, आपको नहीं पता चलता, आपको कोई और बंदा आपका मोबाइल यूज़ करता है तो उसके लिए प्रॉब्लम होती है, ना कि आपके लिए। ताकि वो आपका जो जितना भी पर्सनल डाटा होता है वो रीड कर लेता है, वो देख लेता है। तो उसकी हिफाजत कैसे करते हैं, इसको सिक्योर कैसे करते हैं, इसकी सिक्योरिटी कैसे लगाते हैं, वो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों वीडियो के अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी समझ आ सके, वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने करना ये है कि आपको जो एप्लीकेशन मैं आज बता रहा हूँ उसका नाम है सिक्योरिटी मास्टर। ये प्ले स्टोर से भी आसानी से मिल सकती है, तो अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से भी आसानी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप इसको गूगल से भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल ब्राउज़र से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इसका नाम है सिक्योरिटी मास्टर। अभी मैं सिक्योरिटी मास्टर को ओपन करता हूँ। जैसे ही मैंने ओपन किया हुआ तो आप अपने मोबाइल को बूस्ट कर सकते हैं, अपने जितना भी वायरस है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। वो आपका जितना भी वायरस है आपको दिखा देगा कि कितनी मेमोरी आपकी ओवरली यूज़ हो रही है और जितनी यूज़ हो चुकी है। तो सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूँ, सिर्फ आपको दोस्तों दिखाने के लिए कि कितनी मेमोरी मैंने अभी तक डिलीट की है। दोस्तों आप देख सकते हैं 734 MB मैंने एक्स्ट्रा जो है ना यूज़ की है, अब जितना भी वायरस है वो उसने डिलीट कर दिया है। तो अभी मैं इसको क्लीन करता हूँ। ये तो दोस्तों हो गया आपको दिखाने के लिए कि आप अपने मोबाइल को कैसे मेमोरी डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट ये है दोस्तों, अपनी जो इंफॉर्मेशन है आपकी, आप अपनी जितनी एप्लीकेशन है उसको लॉक कैसे कर सकते हैं ताकि कोई और बंदा आपकी इंफॉर्मेशन को देख ना सके। अगर आपका इत्तेफाक से आपका मोबाइल गुम हो जाता है तो उसको कैसे आप रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ऐप लॉक। जैसे ही मैंने ऐप लॉक को ओपन किया, ये तो मुझसे मांग रहा है कि आप अपने व्हाट्सएप पर ऐप लॉक करना चाहते हैं, फेसबुक लॉक करना चाहते हैं, MX प्लेयर लॉक करना चाहते हैं, B612 लॉक करना चाहते हैं, फाइल है, गैलरी है। मेन पॉइंट जो है ना गैलरी, व्हाट्सएप और फेसबुक। तो दोस्तों आप इसको लॉक कैसे कर सकते हैं, ये अभी आपको दिखा रहा हूँ मैं कि उसको लॉक कैसे करते हैं। साथ बार आप ये लॉक का ऑप्शन देख रहे हैं, अभी इसको क्लिक करता हूँ मैं। जैसे मैंने क्लिक किया मेरा लॉक ओपन हो चुका है, मेरा ऑलरेडी पहले ही लॉक किया हुआ था तो अब ये लॉक ओपन हो चुका है। अगर दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ मैं तो ये लॉक हो चुका है। बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल अपने मोबाइल को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन, आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो आप अपनी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। नीचे आप दिखाता हूँ मैं आपको, मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है, किसी भी एप्लीकेशन को आप बआसानी जो है ना लॉक कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। तो आपको दिखाने का मकसद ये था कि आप अपने मोबाइल को बूस्ट भी कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल को मेमोरी भी डिलीट कर सकते हैं, अपने मोबाइल के एप्लीकेशन को लॉक भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो दोस्तों अभी मैं बैक जाता हूँ, बैक करता हूँ, देखता हूँ मेरे मोबाइल पे ऑप्शन दे रहा है कि आपका मोबाइल की जो मेमोरी है वो रिस्क में जा रही है, अगर आप उसको क्लीन करना चाहते हैं वो भी क्लीन कर सकते हैं। तो सिंपली मैं आपको क्लीन करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो अभी ये मुझे दिखा रहा है कि आपके मोबाइल पे जितनी भी वायरस है उसको हम डिटेक्ट करेंगे और उसको क्लीन करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी और बहुत ही आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेन पॉइंट मैंने आपको बताया है कि आप अपने आप लॉक कैसे करते हैं, एप्लीकेशन को लॉक कैसे कर सकते हैं ताकि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो कोई और बंदा यूज़ ना करे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, उसने बता दिया कि आपका मोबाइल सेफ़ है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो अगर अपने मोबाइल को मैं बूस्ट करना चाहूँ तो मैं बूस्ट भी कर सकता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे बैकग्राउंड पे जितनी भी एप्लीकेशन मेरी ओपन है उसको कैसे ये क्लीन कर चुका है, और 27% मेमोरी मैंने अभी तक यूज़ की है। जी तो दोस्तों आप, उम्मीद है आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो एक बात और ही जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इसके साथ नीचे आप देख सकते हैं टूल्स हैं, टूल्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज सिक्योरिटी नज़र आएगा यहाँ पर।
सेफ कनेक्ट वीपीएन नज़र आएगा। इसके जो फीचर हैं वो बहुत कमाल के फीचर हैं। वाईफाई सिक्योरिटी डायरेक्ट आप डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी नेटवर्क से। नीचे आप दे सकते हैं सेटिंग है, फीडबैक है, एप्लीकेशन है, बहुत ही कमाल है। तो अभी मैं जाता हूँ बैक। ऊपर आप दे सकते हैं ऐप लॉक। ऐप लॉक पे जाकर आप अपनी जो मेमोरी उसको लॉक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे।